मध्य प्रदेश के सागर के बहुचर्चित बरोदिया नूनागिर दलित हत्याकांड के सियासत में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावत भी शामिल हो गए। आज चंद्रशेखर रावत बरोदिया नूनागिर में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और हजारों लोगों की भीड़ में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने मांग रखी कि पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी, सीबीआई जांच कराने, पीड़ित परिवार को 50 लाख की राशि देने और पीड़ितों की सुरक्षा आदि मिले। यदि मांगे 15 दिन में पूरी नहीं होंगी तो 21 जून से सागर में धरना दिया जाएगा जिसमें देश भर से लोग शामिल होंगे। भीम आर्मी की एंट्री तो 2019 से लेकर आज तक और आपको अगर याद हो जब नितिन हत्याकांड हुआ था तो रात को 400-500 भीम आर्मी के जवान यहीं मौके पर बैठे रहे थे उस परिवार की सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि पुलिस 4 घंटे तक भी नहीं आई थी। 4 घंटे तक नंगा नाच होता रहा, वो बच्चे को पीट पीट के मार दिया गया, उसकी रक्षा करने के लिए माँ पहुंची, उसको निवस्त्र करके बेइज्जत किया गया। कोई तो सुनने वाला नहीं था। भीम आर्मी के लोग भी आजाद समाज पार्टी के जो लोग यहाँ के नेता आए हैं वो कांग्रेस के भाजपा के, वो कैसे आए? ये कांग्रेस की सरकार में घटना हुई थी, आपने 2019 उस समय न्याय नहीं हुआ। फिर ये भाजपा की सरकार में दोबारा घटना हुई थी, इसमें उस समय न्याय नहीं हुआ। और अब मुझे, क्योंकि मैं दूर रहता हूँ, हमारे लोग तो हमारे जिलाध्यक्ष लगातार यहाँ रह रहे हैं, इतनी बड़ी घटनाएं हुई जिसमें 1-2-3 हत्याएं जो हैं लगभग हुई। प्रदेश के लिए शर्म का मामला है कि एक बेटी के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए और उस बेटी को, वो आज बेटी दुनिया में भी नहीं। जिस तरह से आरोपियों को बचाया गया, जिस तरह से आरोपियों को संरक्षण दिया गया और जिस तरह से आरोपियों के लखेतों ने यहाँ लोगों को कुचलने का काम किया, जो कैमरे यहाँ लगाए गए थे वो कैमरे खराब रहे 2 महीने, पुलिस ने, कर्मचारियों ने कुछ नहीं सुना, चुपचाप बिना बताए इनकी सुरक्षा हटा देना, सुरक्षा हटाने के 2 दिन बाद 2 हफ्ते के अंदर जो है पीड़ित परिवार का जो मुख्य गवाह था उसकी हत्या हो जाना, ये स्पष्ट करता है कि पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा जो है षड्यंत्र है और सत्ता का संरक्षण अपराधियों को है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, पीड़ित परिवार के बच्चों को जिला बदर कर देना, उन पर झूठे मुकदमे लगाना, लाइसेंस का वादा करके लाइसेंस न देना, डीएम साहब ने नौकरी का वादा किया नौकरी न देना और आरोपियों को पे, नामजद आरोपियों पे कार्रवाई न करना स्पष्ट करता है कि सत्ता और प्रशासन और पुलिस मिलकर जो है आरोपियों का संरक्षण कर रही है और पीड़ितों को बहुत उम्मीद लोगों से नहीं। सरकार को अल्टीमेटम दिया है, फिर आप शहर का घेराव करेंगे, क्या कहते हैं? शहर का नहीं घेराव करेंगे, ये मीडिया की जो भाषा है इसमें सुधार की जरूरत है। हमने ये कहा है कि कांग्रेस के लोग यहाँ आए, मैं कांग्रेस के लोगों से मांग करता हूँ, क्योंकि जहाँ के लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर उनको वोट किया, कई बार उनकी सरकार बनाई, इनका संरक्षण करने की जितनी जिम्मेदारी मेरी है उनकी भी बैठती है, मेरी तो ज़्यादा बैठती है, उनकी कम बैठती है क्योंकि उनका वोट से मतलब है। तो मैंने उनसे कहा कि वो आए यहाँ, उन पर सरकारें रही, पूर्व में उनके मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में कई स्टेट में सरकार, उनको इस मांग को कि सीबीआई जांच हो पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए। अगर उनको लगता है कि फॉर्मेलिटी करने से काम पूरा हो गया तो ये इससे स्पष्ट होता है कि वो सिर्फ वोट का मतलब इनसे रखते हैं। दूसरी बात, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, मैं मुख्यमंत्री जी को कि उनकी संवेदना को समझता हूँ। अगर ये संवेदना तब संवेदना मानी जाएगी अगर वो, क्योंकि उनके हाथ में पावर है, अगर वो रिकमेंड करें सीबीआई जांच के लिए सेंटर को। अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये माना जाता है कि वो सिर्फ डैमेज कंट्रोल के लिए आए थे, उनका भी इस परिवार से कोई लगाव नहीं है, उनका भी सबका साथ सबका विकास का नारा झूठा है और उनकी नज़र में भी दलितों की जान कोई अहमियत नहीं है। इसलिए भाजपा तो कांग्रेस दोनों के नेताओं को मैं पहल करने का मौका देता हूँ। अगर वो नहीं कर पाते तो हमने प्रशासन को 15 दिन का समय दिया है सरकार, अगर 15 दिन में सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश और उनकी मांगे पूरी नहीं की तो 21 तारीख को हम यहाँ जिला कलेक्ट्रेट में अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे संवैधानिक मर्यादा में रहकर, लाखों लोगों को जुटा के तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी। सर एक बड़ा सा खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग, बुंदेलखंड 24/7 स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।